नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो चुकी है और एज यूजुअल जैसे कि हमेशा देखने के लिए मिलता है, इस परीक्षा के अंदर पेपर आउट जैसे मामले आप सभी को देखने के लिए मिले हैं। एक और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आ रही जो कि सबसे बड़ी खबर है उत्तर कुंजी को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर बात करें उत्तर कुंजी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने परीक्षा दी होगी, बहुत सारे छात्रों की तरफ से फीडबैक आने शुरू हो गए। वैसे आप सभी कमेंट करके बताइए, मैंने आंसर की से संबंधित वीडियो बना दिया है, पहले आप सभी अपने आंसर की मिला लें, उसके बाद टोटल आप सभी के कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन उससे पहले अगर बात करें आपके नंबरों को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर के पैटर्न के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें मैथ और साइंस को लेकर तो पेपर टफ रहा, उसमें कहीं ना कहीं जो छात्र काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एसएसटी के अंदर भी छात्रों की तरफ से बताया गया कि पेपर थोड़ा सा टफ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हम जाते हैं हिंदी की तरफ तो वहाँ पर छात्रों को राहत मिली है। दूसरी तरफ इंग्लिश वाले छात्रों की तरफ से बताया गया कि पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर छात्रों ने अच्छे नंबर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें इस पेपर के पैटर्न को लेकर, वहीं दूसरी तरफ पेपर का आउट हो जाना ये उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आसान हो जाता है कि बिना पढ़े उनको पेपर मिल जाएगा। तो कैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम चलेगा, किस प्रकार चीज़ें की जाएंगी, पहले मैं आप सभी को एक वीडियो दिखा दूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, पेपर लीने का कोई मतलब नहीं है। एकदम संभाल के रखना भाई, पूरा मिला लिए, सही है यार, पूरा सही है, पूरा चाहिए पूरी, एक एक भी नहीं है सबके नाम यार, फोटो नाम के सामने आइए, स्कूल के नाम के सामने आओ यार, बहुत ही तो जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से देखा, इन छात्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को जानकारी दी थी कि प्रयागराज के अंदर प्रिंसिपल के माध्यम से अपनी बेटी के लिए पेपर को आउट करवाया गया है। बहुत सारे छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग हर एक परीक्षा के अंदर ऐसा होता है, बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है, अब ऐसा हमें हर एक परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिलता है। एसटीएफ की तरफ से अब इसकी जो जांच है वो की जा रही है, छात्रों की तरफ से हंगामा किया गया है। इन तीन मुद्दों को लेकर जाँच होने के बाद में पता चलेगा कि आखिर पेपर कितने बड़े स्तर पर वायल हुआ था और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस भर्ती के अंदर देखने के लिए मिला है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ पेपर वायल होने की जानकारी दी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी दी जा रही कि छात्रों को पहले से आंसर की लिख करके दी गई थी, उसके आधार पे यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेपर को सॉल्व किया है। अगर ऐसा होता है तो 1500 सीटों के ऊपर क्या मिलेगा, आप सभी अंदाज़ा लगा करके देख सकते हैं। पहले से सीटों की संख्या 1500 है, पूरे जिले के अंदर 75 जिले हैं, 75 जिले में से अगर हम देखें एक एक जिले के अभ्यर्थी ने भी अगर यहाँ पे एक सीट लेने का प्रयास किया तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 75 सीटों का
नुकसान हो जाता है, लेकिन इस प्रकार के मामले हर एक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। आखिर प्रिंसिपल की तरफ से ऐसा किया गया है तो उसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो आप सभी जानते हैं, लगभग हर भर्ती में होता है। अब इसके अंदर रिपोर्ट आने वाली है, जल्द आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों की तरफ से कट ऑफ को लेकर भी पूछा जा रहा है। वैसे अभी ज़्यादातर छात्रों की तरफ से रुझान नहीं आए, कमेंट करके धीरे धीरे बता रहे हैं, क्योंकि सभी आंसर की अभी तक उनकी तरफ से मिलाई नहीं गई है। लेकिन ज़्यादातर छात्रों की तरफ से जानकारी दी गई है उसके आधार पर अगर देखें तो छात्रों की तरफ से बताया जा रहा है किसी ने 100 या फिर 102, 104, 105, ज़्यादातर जो छात्रों का स्कोर देखने के लिए मिला है 110 या 112 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। बहुत सारे अभ्यर्थी 140-145 लिख देते हैं लेकिन पूरे तरीके से फेक होते हैं। मुझे भी ऐसे कमेंट किए जाते हैं लेकिन उसके उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे कहने की सत्य नहीं होता है, और उस कमेंट का आपसे रिप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 140-145 ला पाना असंभव है किसी भी पेपर के अंदर, चाहे वो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो या फिर SST का, याद रखें। ऐसे में मैथ साइंस वाले अभ्यर्थी तो लगभग 95-97-98 के आसपास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इतना कम जाएगा तो 90-97 ला पाना भी संभव नहीं है। हालांकि कई छात्रों की तरफ से 102 या 103 देखने के लिए मिले हैं। हिंदी के अंदर छात्र मुझे मिले 115-116 वाले। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखें ज़्यादातर जो पेपर का पैटर्न देखने के लिए मिला है वो कहीं ना कहीं हिंदी के अलावा अगर देखें तो इंग्लिश को लेकर छात्रों की तरफ से बताया गया टफ रहा है। ऐसे में मैथ और साइंस का जो पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ है, ज़्यादा इसको छात्रों ने नहीं किया है। लेकिन धांधली और भ्रष्टाचार का जो सवाल आता है वो सबसे बड़ी समस्या कहने की कट ऑफ के अंदर लेकर के आ जाती है। अब ऐसे में उत्तर कुंजी की भी जानकारी दी जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी बड़ी धांधली हुई है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ऐसे मामले हमें हर भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर धांधली और भ्रष्टाचार होता है तो कट ऑफ के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि एक मेहनत करने वाला जो अभ्यर्थी होगा वो ऑन एन एवरेज 110 से लेकर 120 के बीच में स्कोर कर सकता है। इससे ज्यादा का जो स्कोर होगा कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होगी या फिर इससे भी बड़ी मेहनत नहीं होगी, समझ सकते हैं चीजों को। तो यहां पर अगर देखा जाए संस्कृत के विषय के अंदर भी छात्रों की तरफ से जानकारियां दी गई थी कि ज़्यादातर 75-80 वाले भी छात्र देखने के लिए मिले थे, इसके अलावा 90-95 वाले छात्र भी गए हैं। मतलब जो पेपर का पैटर्न था वो कहीं ना कहीं एडेड जूनियर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। विषय वाले पेपर की अगर बात की जाए, सामान्य अध्ययन का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे था, अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, ज़्यादातर छात्रों की तरफ से अच्छा स्कोर किया गया है सामान्य अध्ययन के अंदर। लेकिन अब ऐसे में आप सभी के सामने देखना दिलचस्प होगा कि परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें ना हो तो ज्यादातर छात्रों को बेनिफिट मिल सकता था। बाकी आपका स्कोर कितना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जल्द आपके लिए कट ऑफ से संबंधित वीडियो भी आपको दिया जाएगा। ऐसे में अगर बात की जाए आपकी उत्तर कुंजी साथी परिणाम को लेकर, वो भी PNP की ओर से जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो पेपर आउट ऑफ आंसर की को लेकर देखने के लिए मिला है, इसके बारे में PNP सचिव की तरफ से क्या जानकारी दी जाएगी इसको देखना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके परीक्षा केंद्रों पर क्या क्या व्यवस्था रही सारी चीजें आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।